विराट कोहली की टीम के सामने वर्ल्ड कप 2019 की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है न्यूजीलैंड, क्योंकि आंकड़े ऐसी गवाही देते हैं कि न्यूजीलैंड भारत से अव्वल ही रही है। दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में 7 मुकाबले हुए हैं, इनमें से भारत ने 3 में जीत दर्ज की है जबकि न्यूजीलैंड ने 4 मुकाबलों में बाजी मारी है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 1975 से एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। अगर करीब 40 साल का इतिहास देखें तो दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं थोड़ा फायदे में जरूर है। 2003 की बड़ी भिड़ंत में भारत ने बाजी मारी थी वर्ल्ड कप में। दोनों टीमों के बीच आखिरी टक्कर 2003 में दक्षिण अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप में हुई थी। सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को महज 146 रनों पर समेट दिया था। तब जहीर खान ने 4 और हरभजन ने 2 विकेट लिए थे। वहीं जवाब में मोहम्मद कैफ ने नाबाद 68 और राहुल द्रविड़ के नाबाद 53 रन की बदौलत भारत ने लक्ष्य 41वें ओवर में हासिल कर लिया था। अब जरा इन टीमों के बीच रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। दोनों टीमों के बीच 106 मैच हुए हैं। भारत ने 55 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं न्यूजीलैंड ने 45 मुकाबले जीते हैं। 5 मैच बेनतीजा रहे हैं जबकि 1 मैच टाई रहा है। आज भारत की नजरें न्यूजीलैंड पर होंगी, वहीं टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग कौन करेगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो टीम के सहायक कोच संजय बायंगड़ ने साफ कर दिया कि शिखर धवन के चोटिल होने के बाद उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग करेंगे, जबकि 4th नंबर के लिए उचित खिलाड़ी को चुना जाएगा। फिर सवाल 4th नंबर का है। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन के चोट के चलते 3 हफ्तों के लिए वो टीम से बाहर हैं। केएल राहुल को ओपनिंग करना तय लग रहा है, ऐसे में भारतीय टीम के सामने एक बार फिर से 4th नंबर का सवाल खड़ा हुआ है। राहुल टीम के शुरुआती 2 मैचों में 4th नंबर पर खेले थे, ऐसे में अब 4th नंबर के लिए विजय शंकर या दिनेश कार्तिक में से एक को मौका मिल सकता है, या फिर टीम रविंद्र जडेजा पर भी भरोसा कर सकती है। बस नजरें बनाए रखिए कि आखिरकार क्या होने वाला है। पल पल की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।